तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको इटली में स्टूडेंट का एकोमोडेशन कैसा रहता है और नॉर्मली ये जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही हर एक एकोमोडेशन में कॉमन रहता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इटली में घर कैसे रहते हैं स्टूडेंट्स के। चलिए आइए दिखाते हैं। तो ये देखिए, बाहर से हमारा बिल्डिंग ऐसे दिखता है। बाहर का नज़ारा है बिल्डिंग का, ऐसे बाहर से। और फिर अभी तो ठंडी का टाइम है तो इसीलिए पूरे पत्ते झड़े हुए हैं, देखिए। और आपको बगल में देखिए, ये है सिगरेट का दुकान, है तबाकी करके रहता है। यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर दुकान रात को भी चाहिए तो आप ATM जैसे है पैसा डालिए और सिगरेट निकाल लीजिए। 24 आवर्स बाद डिजिटल है ये। और यहाँ पे कहीं भी बिल्डिंग में घुसने से पहले यहाँ पे ऐसे रहता है, नंबर रहता है। आप नंबर दबाइए, आप चले जा सकते हैं। और हमेशा लॉक रहता है तो बाहर ही कोई नहीं आ सकता है, कैसे वो लॉक हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है यहाँ पे कि कोई भी अंदर नहीं घुस सकता है बिना आपके परमिशन के। तो चलिए अब यहाँ से लिफ्ट से हम लोग ऊपर चलते हैं। मेरा दोस्त और मैं, अब हम लोग आ गए अपने फ्लोर पे। अब यहाँ से मैं आपको अपना रूम टूर दिखाता हूँ कैसे होता है मैं यहाँ का रूम। तो ये देखिए, ये मेन दरवाजा है, यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं। और यहाँ पे हर एक घर में आपको एक की होल दिखेगा। और ये देखिए, जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो एक हमारा क्या हो गया, ये कॉमन एरिया हो गया। तो यहाँ पे अपना जूता वगैरह निकाल के, चप्पल वगैरह निकाल के हम लोग यहाँ रख सकते हैं। ऐसे सिस्टम है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाहर कुछ नहीं रखते हैं। और यहाँ पे कुछ सजाने वजाने के लिए रख सकते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ रख दिया है और ऐसे कॉमन एरिया हो गया। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिरर, मिल जाएगा। और वो में हमारा किचन है और ये बाथरूम है और एक एक रूम है और डबल वहाँ पे रूम है। चलिए तो मैं आपको किचन से स्टार्ट करता हूँ। और देखिए, ये जो है ना, ये आपको हर एक रूम में आपको मिलेगा। ये क्या है कि ये हीटर है, इस क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ये ऑटोमेटिक हीटर मिलेगा आपको, सब सब रूम में मिलेगा। तो आपको ज़्यादा कम चाहिए अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, इसका मतलब ऐसे एडजस्ट कर सकते हो 1-2 पे। तो चलिए आपको अपने किचन से स्वागत कराते हैं। देखिए, ये है हमारा किचन। देखिए बहुत ही बड़ा है, आपको हर एक घर में किचन मिलेगा, डाइनिंग टेबल मिलेगा, गैस और ओवन सब कुछ मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, किसी का भी टेंशन नहीं है। तो देखिए, ये फ्रिज से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली आपको डबल फ्रिज मिलेगा, जैसे ये हो गया, आपको डीप फ्रिज है और ऊपर भी ऐसे सामान वगैरह रख सकते हैं। तो हम लोग कुछ वहाँ पे रखे हैं खाने पीने वाला। और देखिए हमारा रेफ्रिजरेटर एकदम भरा हुआ है क्योंकि आज ही हम लोग शॉपिंग किए हैं। और ये देख, ऑलिव है, बहुत ही फेमस है यहाँ पे। और देखिए इतना सारा सामान हम लोग लेकर आए हैं। ये मेरा सेक्शन है वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह। एवोकाडो आइएगा तो एवोकाडो जरूर टेस्ट करिएगा यहाँ पे। और देखिए ये सब दूध है, पूरे एक हफ्ते का दूध है, डिफरेंट वेराइटीज। और ये सब देखिए, ये सब मेरे दोस्त के हैं, बियर वगैरह। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ चॉकलेट्स। इटली में आइएगा तो आप चॉकलेट जरूर खाइएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छे रहते हैं इटली के चॉकलेट्स। तो बस यही है, कुछ पीनट बटर है, कुछ जाम, हाँ जाम है, फ्रूट्स जाम है। तो ऐसे हमारा ये हो गया। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए आपको हर एक रूम में इधर इलेक्ट्रिकल रहेगा या फिर गैस वाला सिस्टम जो भी रहेगा। और मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, कुछ मैं आलू एंड ब्रोकोली दोनों को बॉईल कर रहा हूँ, कुछ स्नैक्स बनाने जा रहा हूँ। तो बस ऐसे हैं। और आपको कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए चम्मच वगैरह, चाकू, और ये अगर आप दारू वगैरह पीते हैं तो ढक्कन खोलने के लिए उसका, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ भी लाने, घर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। कप्स मिल जाएंगे, प्लेट मिल जाएंगे, सब ए टू जेड आपको मिलेगा। ये देखिए, और पूरा मिल जाएगा। लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, अगर आप रोटी वगैरह खाते हैं तो लेकर आइएगा बेलना,
नहीं तो यहाँ पे बेलना नहीं मिलेगा आपको। और देखिए टैप है, टैप में खासियत क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एक नीला सा लाल और नीला दिख रहा है, तो अगर हम लोग इधर करेंगे तो गर्म पानी आएगा, उधर करेंगे तो ठंडा पानी आएगा। तो एक ही नल में दो दो सिस्टम है। और यहाँ पे देखिए हर एक रूम में आपको डिशवाशर मिलेगा। तो मैंने तो कभी यूज ही नहीं किया है। आप बताइए गांव में रहने वाले लोग, देहात के लोग, अभी बर्तन धोने का भी काम नहीं है, तो बस इसमें बर्तन डाल दीजिए फटाफट धो देगा काम, चिकन कुछ भी झंझट नहीं है। और ये देखिए अगर आप पिज्ज़ा उज़ा खाते हैं तो इसमें ये ओवन है, आप इसमें पिज़्ज़ा डालिए, बनाइए, खाइए, मौज करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब थोड़ा स्टेप्स है। और यहाँ पे भी आपको प्लेट वगैरह मिल जाएंगे। तो मैंने कुछ सामान दाल रखा है यहाँ पे, चीनी वगैरह मिर्ची मैं घर से लाया था, कोई ज़रूरत नहीं है, या अगर आप खाते हैं तो लेकर आइएगा। और इसमें देखिए इसमें भी ऐसे सामान पड़े हुए हैं, हाँ। और यहाँ पे डस्टबिन देखिए, आपको हर एक कमरे में, आपको हर एक कमरे में, हर एक अकोमोडेशन में आपको 3 से 4 डस्टबिन मिलेंगे। एक जो है प्लास्टिक वगैरह के लिए हो गया, एक पेपर वगैरह के लिए, और ये फूड वेस्ट के लिए, और ये एक हो गया एक शीशे वगैरह के लिए, मतलब कांच का टुकड़ा वगैरह हो गया। और यहाँ से देखिए बालकनी, किचन से बालकनी का व्यू देखिए, बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा नज़ारा है। सुबह सुबह डायरेक्ट सूरज यहाँ से निकलते हैं तो किचन में लाइट आती है, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए नीचे वहाँ पे जो डब्बे रखे गए हैं कचड़े के, वो हैं ऐसे हैं। तो किचन से तो व्यू बहुत ही अच्छा है। और देखिए आपको यहाँ पे टीवी देखना चाहते हैं, टीवी मिल जाएगा आपको, कैलेंडर मिल जाएगा, और टेबल मिल जाएगा। हर एक रूम में जाएंगे तो टेबल वगैरह से तो कॉमन मिलेगा। चलिए आपको बाथरूम दिखाते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं आपके लिए, और बाथरूम दिखाते हैं कैसा है यहाँ का। देखिए यहाँ का बाथरूम देखिए, हर एक कम रूम में, हर एक अकोमोडेशन में जाएंगे, जहाँ पे भी आप किराए पे लेंगे आपको मिल जाएगा सब ऐसे। ये देखिए नॉर्मली है, वैसे है, आपको क्या बोलते हैं इसे, कपड़ा धोने वाला मशीन मिल जाएगा आपको। और नहाने के लिए देखिए, मैं इसको बंद कर देता हूँ, और नहाने का सिस्टम देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा मतलब ऐसे शावर टाइप है। अब इस यहाँ के लोगों में देखिए एक टैप भी नहीं दिए हैं, ना एक बाल्टी है ना कुछ है। अब बताए हम लोग गांव के हैं, गांव से जो नॉर्मल आदमी आता है इंडिया से, अब हमको है बाल्टी से नहाने का आदत, अभी टैप भी नहीं दिए हैं, अब कैसे काम चलेगा। अभी इसे एडजस्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे है पैखाना, अब पैखाना में समझिए, अभी तो वहां पे मानते बाथरूम कर लिए तो कैसे धोएंगे, न टैप है, न पानी का कोई सुविधा है, न अपने यहाँ तो क्या बोलते हैं जाता है पाइप उसे धो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। मैंने कंप्लेन किया था कि कुछ भी नहीं है, तो लोग बोले हैं कि क्या यूज करना है, टिश्यू पेपर यूज करा। अब बताइए टिश्यू पेपर यूज करेंगे तो हम भी देहात से हैं, गाँव से हैं, अपन देसी जुगाड़ लगा लिए हैं, पानी का बोतल हम काट उठ के बस इसी में पानी भरते हैं और अपना काम चला लेते हैं। अब कुछ जरूर जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और है हमको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या चीज है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब नहा धो लेते हैं तो कच्ची बंडी नहीं रहता है, आप मानते हैं यहाँ पे टोटिया नहीं है, कैसे धोएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि बस इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ ऐसे, देखिए वो बंद हो जा रहा है, बंद होने के बाद इसमें पानी भर देता हूँ, बस इसमें पानी भर के और मैं अपना कच्ची बंडी इसी धो लेता हूँ। आपको मिल जाएगा मिरर मिल जाएगा, और आप साबुन बनाइएगा, लेते आइएगा घर से, अगर आप पतंजलि के फैन है तो पतंजलि का साबुन लेते आइएगा, ब्रश वगैरह, मैं तो सब पतंजलि का यूज करता हूँ देखिए। और सर्फ शैम्पू जो भी है आप आइएगा तो 2-3 तो लेते आइएगा कम से कम 4-5 महीने के लिए। और देखिए ये बाथरूम से इसका व्यू है, दिखाई दे रहा है ना, आप चाहें तो इधर से हगिए
हल्के हल्के आप बाहर से भी बाहर का व्यू दे सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं बात नहीं है, एक साथ दो काम नहीं करते हैं। चलिए ये हो गया बाथरूम, अब चलिए आपको रूम दिखाते हैं। तो आपको ये दिखाते हैं, ये है स्टोर रूम है, लाइट ऑन कर देते हैं, मतलब तो कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए बैग हो, छोटा सा रूम है यहाँ पे। और चलिए मैं आपको अपने रूम में ले जाता हूँ, ये हमारा रूम है। देखिए ये रूम का ओवरऑल व्यू है, ये है मेरा बेड। तो आप आते समय कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, तकिया वगैरह बेड वगैरह सभी सब देते हैं, मत लाइएगा तो एठो आइए, क्या बोलते हैं इसको, बेड शीट लेते आइएगा, बस उतना काफ़ी है, इन्हें की तकिया वकिया बिटोर के लेके आए। और देखिए और हर एक रूम में आपको ऐसे एक स्टडी टेबल मिलेगा, ऐसे अलमारी वगैरह मिलेगा, और एक लाइट मिलेगा पढ़ते समय ताकि आप पढ़ सकें। देखिए ऐसे, तो कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ए टू जेड सब प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। आराम से चेयर मिलेगा आपको बैठने के लिए, और डस्टबिन मिलेगा, हर एक रूम में कॉमन है। ऐसे यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो, मैंने कुछ सजा दिया है, अगर आप भगवान को मानते होते हैं तो ज़रूर फोटो वोटो भगवान का लेते आइएगा। और बाकी ये सब आपको सब ऐसे मिलेंगे रखने के लिए वगैरह वगैरह, तो मैंने वैसे सब रखा है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्या क्या लेकर आना है क्या क्या लेकर नहीं आना है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। बस ऐसे कुछ है कागज़ पत्र वगैरह वगैरह, तो आपको ये यहाँ पे भी आपको सामान रखने के लिए आपको मिल जाएंगे, मतलब जो भी आपको चाहिए। देखिए ये सब सामान रखने के लिए है, और यहाँ पे हो गया आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह वहीं पे मिल जाएगा, और लाइट मिल जाएगा। और एक गया मेरा सेकंड बेड है, मेरा दोस्त सोया हुआ है। हेलो नमस्ते। और ये इसका स्टडी टेबल है, सबको दो लोगों को दो दो मिलेगा, इन्हें के कठोरा पे झगड़ा करने के लिए नहीं, दो मिलेगा सबको। और यहाँ से जो सबसे मस्त है वो है यहाँ का बालकनी से बाहर का नज़ारा, आप ऐसे बालकनी में आइए शाम को और यहाँ से बस देखिए, देखिए ये सबसे मस्त हमको लगता है, देख रहे हैं ना बालकनी से, देखिए ये इटली है, हम मिलानो सिटी में रहते हैं, देख रहा ना कैसे पार्किंग वगैरह हुआ है। बस तो ये हो गया हमारा रूम का व्यू, हमारे एक रूम और है आपको वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन अभी यहाँ तक कोई आया नहीं है। तो देखिए एक रूम और है, एक सिंगल रूम है ये, तो इसमें भी देखिए कॉमन ही है, आपको टेबल मिल जाएगा, स्टडी टेबल मिल जाएगा, तो हम लोग ये कपड़ा सुखाने वाला है तो कपड़ा सुखाने वाला है, बेड हो गया, अलमारी वगैरह हो गया, और यहाँ से भी बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। बस ऐसे ही है, तो आते वक्त कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। इन्हें कि हम अपने यहाँ हॉस्टल में जाते हैं तो क्या करते हैं कि बल्टी बिस्तरा और हेन तेन तकिया अकेले के जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब आपको मिलेगा। लेकिन क्या क्या लेकर आना है मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देखेंगे। फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।